हेलो। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए निकाली जाती है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, ओके। तो अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें बोला जाए तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जो कि है बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं, और उन उसके साथ क्या ऐड करना है आपको, नंबर ऑफ नेबर्स, उसके कितने भी जो भी नेबरिंग एटम्स हैं, ठीक है, जो भी उसके नेबरिंग एटम्स हैं, नेबरिंग एटम्स, ओके। सो जो भी नेबरिंग एटम्स होंगे उसको ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर कोई चार्ज स्पीशीज है तो कैटायन अगर होगा तो उसमें से -1 कर देंगे, और अगर उस मॉलिक्यूल पर एनायनिक चार्ज है तो +1 कर देंगे, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो है आप ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नेबर में, नेबरिंग एटम में ऑक्सीजन एटम है तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। तो अगर मान लो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालने के लिए बोला है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, 4, क्योंकि इसका 2.4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेबर कितने हैं इसमें, 4, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया, 4, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकला, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऐसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कार्बन ने बनाए होंगे। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिलकर बने होंगे, 1s और 3p, ठीक है। तभी 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे और नए 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। सो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नए बन गए, ठीक है। तो 1s और 3p, सो दिस इज लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आगे समझ, एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। जैसे मान लो अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी किसकी निकलेगी, सेंट्रल एटम की। तो सबसे पहला हमारा एफर्ट क्या होता है, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन में 7, तो 2.5, यानी कि 5 इसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और नेबर में कितने हैं, हाइड्रोजन 3, तो डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया, 4। वंस अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3, ठीक है। नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो फटाफट फटाफट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहीं पर भी इसका एक्सेप्शन नहीं देखा जाता। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, यानी 2.2। वैलेंस कितने हो गए, 2। नेबर कितने हो गए, 2, डिवाइड करो 2 से, कितना आया, 2। कितना होगा, 2, यानी कि 1s और 1p, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप का डिस्कशन नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो CO2। अब CO2 में कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, तो कितने होते हैं सर इसमें, 4 कार्बन के पास, और ऑक्सीजन नेबर में है तो नहीं काउंट करेंगे, 0, 2, तो कितना आया, 2, यानी कि CO2 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे वाटर, वाटर वाटर की इसमें सेंट्रल एटम कौन है, इसमें सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो वो सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि नेबर की तरह। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2.6, यानी 6। नेबर में कितने हो गए, हाइड्रोजन 2, तो डिवाइड करो 2 से, तो कितना आ गया, 4, यानी इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3। तो आई होप आपको ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल कुछ लेके आऊंगा मैं, ओके, सी यू देन।